हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा था कि क्या हम दूसरे के पेपल अकाउंट से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या पेपल अकाउंट के अलावा बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरे के बैंक अकाउंट में पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, या इसमें तीसरी एक और चीज़ आती है कि दूसरे के शिपिंग अकाउंट से ही प्रोडक्ट को शिप कर देते हैं। तो देखिए, जो नए एक्सपोर्टर्स होते हैं, पहला दूसरा ऑर्डर आता है, या कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी के नाम से ही उनने जो अमेज़ॉन, ईबे, इट्सी में अकाउंट खोला हुआ है, बट जो पेमेंट है वो अपने पर्सनल अकाउंट में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये सब में कंप्लायंस का इशू है। अगर आप अपनी कंपनी बना रहे हैं, लेट सपोज आपने कोई कंपनी बनाई रॉयल इंडिया के नाम से, अभी आपका रॉयल इंडिया का आपने बनाया हुआ है, बट आप जो पेमेंट आ रही है, अगर उसका ऑर्डर आता है रॉयल इंडिया के नाम से, आपने एक कंपनी बनाई हुई है बट उसका ऑर्डर का पेमेंट आता है, तो आपने अमेज़ॉन या इट्सी में अपना पर्सनल या सेविंग अकाउंट जो है वो लगाया हुआ है, जो आपके अपने नाम पर। तो ये गलत तरीका है, आपको ये नहीं करना है। इसके में अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए जो इंटरनेशनल पेमेंट्स आ रही हैं तो आरबीआई सारी इंटरनेशनल पेमेंट्स को ट्रैक करती है, तो अभी इंटरनेशनल पेमेंट आपके रॉयल इंडिया नाम से जो बिजनेस है उसके लिए आ रही है, बट आप उसको रिसीव किस में कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लायंस का इशू होगा, बाद में आपके पास नोटिसेस आ सकते हैं कि ये पेमेंट इंटरनेशनल आपके पास क्यों आई है, आरबीआई आपसे पूछेगा, तो उस टाइम पर आप बताएंगे कि ये पेमेंट तो मेरे नाम पर आई है या आपके किसी फ्रेंड का बैंक अकाउंट आपने लगाया हुआ है। तो इन सारे केसेस में कुछ टाइम बाद नोटिसेस आते हैं, तो बहुत तो क्या करते हैं, एक बार पेमेंट लेते हैं, फिर दो बार लेते हैं, फिर रेगुलर पेमेंट्स लेने लगते हैं। तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे एक पेमेंट भी अगर आपने एडिशनल लिया है तो उसमें भी नोटिस आया हुआ है, और जहां पे कुछ लोगों ने ज्यादा पेमेंट्स लिए हैं और उसमें बाद में नोटिस आया हुआ है। तो ये गलत तरीका है, आपको ये नहीं करना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये कंप्लायंस के अगेंस्ट है और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है कि आप इस चीज़ को नहीं करें। अगर आप प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं तो उस कंपनी के नाम से एक करंट अकाउंट ओपन कर लीजिए और फिर एक्सपोर्ट करिए, या अगर पर्सनल नाम पे कुछ कर रहे हैं तो देखिए, मेजॉरिटी लोगों का ये रहता है, अभी तो हम जस्ट ट्रायल कर रहे हैं या फिर हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है और अभी जस्ट एक दो ऑर्डर्स हमने शिप किए हैं, तो देखिए आप चाहे एक दो ऑर्डर्स करें या आपने जस्ट स्टार्ट किया है, जब नोटिस आएगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा क्लियरली। और फिर नोटिस जो है, अभी काफ़ी लोग ऐसे एक्सपोर्टर्स हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं, तो देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, गूगल से, यूट्यूब से फ्री में देख के कुछ आधा कहीं से कुछ सीखा, कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली और एक्सपोर्ट कर दिया। बट एक्सपोर्ट में ऐसा है कि आपने अभी तो कर दिया, बट यहाँ पे आपको स्टेप वन जो है आपका वहाँ से ही क्लियर होना चाहिए। आपने अगर कुछ भी गलत किया है तो आपके पास नोटिस है, ये सारी चीज़ें आएंगी, फिर बाद में जब थोड़ा टाइम हो जाता है लोग भूल भी जाते हैं कि हमने ऐसा कुछ गलत किया था पहले। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर ही रहे हैं पिछले 2-4 साल से और वो कह रहे हैं हमें तो कोई नोटिस नहीं आया। तो देखिए, तो अभी आपको नोटिस नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सही किया है, आपको नोटिस आएगा या आपने कुछ गलत किया है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ कि नोटिस आ रहा है और इस तरह की चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे सारे कंप्लायंस जो है वो मेंशन है। बहुत लोग मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बोलते हैं सर अब ये नोटिस आ गया, अब इसको रिजॉल्व करिए। तो देखिए, अगर नोटिस आ गया तो अब उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, आपने जो पहले ही गलतियां करी हुई है, अब आप दूसरे के बैंक अकाउंट में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल पेमेंट, तो वो नोटिस तो आएगा कि ये पेमेंट किस पर्पस से आई है, तो आप उसमें बोलेंगे कि वो दूसरी कंपनी की पेमेंट आपके बैंक में आ रही है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिस भी कंपनी के नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं उसी के बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है, उसी कंपनी के नाम से आपको उसको एक्सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है किसी और के एक्सपोर्ट लाइसेंस पे आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में करनी होती है। तो अगर आपको प्रॉपर प्रोसेस समझना है तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम स्टेप वन से आपको बताएंगे कि क्या करना होता है और एडवांस लेवल तक पूरा आपको बताएंगे। अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो अब आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किस तरह आप प्रॉपर कंप्लायंस फॉलो कर सकते हैं, किस तरह आप बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च का चूज कर सकते हैं, कैसे आपको प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए, तो उसमें सारे ही टॉपिक कवर होते हैं। बाकी वो ट्रेनिंग्स में आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं और एक साल का हम उसमें सपोर्ट भी देते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे भी रहेगी, तो आप वहाँ से भी जान सकते हैं। बट ये वीडियो मेरा बनाने का जो मेन फोकस था वो यही था कि आपको किसी और के नाम से पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 16-17 जुलाई को दिल्ली में सैटरडे संडे 2 दिन ट्रेनिंग है, जो भी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहे वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारी जयपुर में ट्रेनिंग है 6th और 7th अगस्त को, तो ये 2 जगह पे ऑफलाइन ट्रेनिंग है, बाकी जो हमारा ऑनलाइन वीडियो कोर्स है वो तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे कंप्लायंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएंगी, इनवॉइस कैसे बनाना है ये सारी ही चीज़ें उसमें बताई हुई हैं, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मिसिंग हो, क्योंकि जो आप ही लोगों की क्वेरीज आती हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी उस कोर्स में डाल दिए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। ओके, बाय बाय।